बड़ी खबर हाथरस से, जहां थाना चंदपा पुलिस द्वारा गांव चितावर के पास हुई चोरी की घटना का किया गया खुलासा। पुलिस द्वारा चोरी की घटना को अंजाम देने वाले तीन चोरों को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार चोरों के कब्जे से चोरी का थैला, मय कागजात, दो आधार कार्ड, एक बैंक पासबुक, 3000 रुपए नगद एवं चूरा असलाह, कारतूस व चोरी की मोटरसाइकिल हुई बरामद। पुलिस अधीक्षक हाथरस निपुण अग्रवाल द्वारा चोरी की घटना को करने वाले चोरों का शीघ्र गिरफ्तारी के लिए प्रभारी निरीक्षक थाना चंदपा को किया गया था आदेशित। वहीं मुखबिर की सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए चोरों को पकड़ा गया, जिनके कब्जे से चोरी का थैला, मय कागजात समेत कई चीजें बरामद की गई हैं। दिनांक 27/5/2024 को थाना चंदपा पर मुकदमा अपराध संख्या 125/24 पंजीकृत किया गया, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर रखे थैले को किसी ने चुरा लिया गया था। पुलिस अधीक्षक हाथरस महोदय ने इंस्पेक्टर चंदपा को घटना के शीघ्र अनावरण कराने के निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में दिनांक 28/5/2024 को समय 00:30 बजे तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से नासिर सनोक सराफत के पास से एक चाकू, 1000 रुपये, पवन सनोक ननिहाल के पास से एक 315 वोल्ट तमंचा, दो जिंदा कारतूस व 1000 रुपये, जय भाई सनोक महेश भाई के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक थैला जो चोरी हुआ था, जिसमें आधार कार्ड, श्रम कार्ड व 1000 रुपये बरामद किए गए। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की।